नमस्ते दर्शकों, जय मां काली। आज मैं एक ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूं। बृहस्पति जो वृश्चिक राशि में जा चुका है 11 अक्टूबर को, मतलब इसी महीने, और राहु उसे बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति भी राहु को देख रहा है। तो इस समय क्या होने वाला है धनु राशि और धनु लग्न के लिए, उसी के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, बृहस्पति जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना गया है, ऑस्पिशियस प्लैनेट माना गया है, और उस वो एक सद्बुद्धि और अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी एक बृहस्पति रूल्ड व्यक्ति होता है वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता है, भले ही कोई उनके लिए खराबी करे। मैं यहां धन लगन और मीन लगन, धन राशि और मीन राशि के बारे में बात कर रहा हूं। वो उनका स्वभाव होता है, देखिए, अच्छाई करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना। मगर इस बार बृहस्पति जो वृश्चिक में है, जो अपने मित्र ग्रह के घर में है, वह राहु की दृष्टि से पीड़ित रहेगा। कैसे रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए, राहु सब लोगों को पता है एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, एक तरह का राहु शैतान है, करप्ट है, क्राफ्टी है, और आप राहु के लिए कुछ भी कर दें वो बोलता है मेरे लिए क्या किया। ये उसका बेसिक स्वभाव है। तो अभी जो राहु बृहस्पति को देख रहा है, तो धन राशि के मालिक बृहस्पति को देख रहा है, मीन राशि के मालिक बृहस्पति को देख रहा है, और राहु वृश्चिक राशि पे अपनी दृष्टि दिया हुआ है, जिसमें बृहस्पति भी है, और मकर राशि को देख रहा है और मीन राशि को देख रहा है। शनि जो धनु राशि के ऊपर से गुजर रहा है और साढ़े सती है, तो टाइम, धन राशि, धन लगन के लिए खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि लग्नेश डिस्टर्ब्ड है, साढ़े सती चल रही है, तो स्वाभाविक बात है कि आप इस दौरान कई कष्टों से गुजर रहे हैं। कई लोग देखिए सोचते हैं कि बृहस्पति भी राहु को एस्पेक्ट दे रहा है, तो देख रहा है, तो राहु के कुछ कुप्रभाव कम कर देगा। नहीं, देखिए, ये कलयुग है, ये कलयुग काली दैत्य से के अंडर है, के हुकूमत में है। ये काली, वह भगवान काली के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, मेरी काली मां के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये काली एक दैत्य है और इस समय कलयुग में वही शासन किए हुए हैं। तो राहु काली का मित्र हुआ, काली दैत्य का, तो ज्यादा प्रभाव राहु का ही है। बृहस्पति राहु के
कुप्रभावों को कम करने में असमर्थ रहेगा इस समय। तो एक बात समझ लीजिए कि इस समय धन राशि, धन लगन, मीन राशि, मीन लगन के लिए समय मार्च 2019 तक कठिन समय रहने वाला है। और जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि इस दुनिया में एक बात निश्चित है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, पर एक बात मैं जरूर आपको निश्चय के साथ कह सकता हूं कि भगवान वह शक्ति है जो अपनी हथेली में एक अरब ब्रह्मांड को लिए सबकी रक्षा कर रहा है, सबको प्यार दे रहा है। और मैं उसी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आपको शक्ति दे, प्यार दे और आपकी रक्षा करे। मैं इस धन राशि, धन लगन के और मीन राशि, मीन लगन के कठिन समय के लिए एक यंत्र बनाया हुआ है, मैंने एक ताबीज बनाई है। अगर आप समझते हैं, अगर आप ठीक समझते हैं कि आपको इस समय के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप मेरे से जरूर संपर्क कर सकते हैं। जय मां काली।